यहां पर 44.77% मतदान हो गया है। बात लखनऊ की करें तो सबसे कम यहां पर मतदान प्रतिशत सामने आया। अमेठी में 38.21% मतदान हुआ, बांदा में 40.2% मतदान हुआ, फैजाबाद में 40.77% मतदान, फतेहपुर में 39.85% मतदान हुआ है। इसके अलावा गोंडा की बात करें तो यहां पर 36.67% मतदान हुआ है और हमीरपुर में 40.71% मतदान। ये देखिए आप सिलसिलेवार तरीके से 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आप देख सकते हैं कि 1 बजे तक कितना फीसदी मतदान हुआ है। झांसी की बात करें तो झांसी का भी हमने आपको बताया 43.6%, कौशाम्बी में 36.25% मतदान हुआ है और इसके साथ ही बाराबंकी का भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है, बाराबंकी में भी और देखिए बांदा में भी 40.2% मतदान अब तक यहां पर हुआ है। तो अब तक का मतदान प्रतिशत आपकी स्क्रीन पर आ गया है, 1 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मतदान प्रतिशत भी। 40.77% मतदान फैजाबाद में अब तक हुआ है और ये देखिए पूरी तैयारी के साथ पूरे ग्राफिक्स के जरिए न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। मोहनलालगंज में 41.43% मतदान, लखनऊ में 33.5% मतदान अब तक हुआ है और धीरे धीरे ये मतदान प्रतिशत अभी शाम के वक्त और बढ़ेगा। 4 बजे के बाद दोबारा से वोटिंग की रफ्तार बढ़ जाती है, जैसे ही थोड़ा सा गर्मी कम होती है, थोड़ा सा धूप कम होती है तो एक बार फिर से मतदाता पहुंचते हैं। जालौन में 39.5% मतदान और ये वोटिंग परसेंटेज 1 बजे तक का हम आपको बता रहे हैं। तो अब इसके बाद 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल ये आप तस्वीरें देखिए जहां पर तमाम दिग्गज वोट डालने के लिए पहुंचे, उस दौरान की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जिसपे कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं, कुछ नेता हैं, अभिनेता हैं जो वोट डालने के लिए पहुंचे। अनूप जलोटा, सुनील शेट्टी, अनिल कपूर, इन सभी ने भी मतदान किया है, अपने वोट का इस्तेमाल किया है। राजकुमार राव, अक्षय कुमार भी भारत की नागरिकता मिलने के बाद पहली बार उन्होंने वोट डाला। नेहा धूपिया को देख सकते हैं आप, तो तमाम ये सेलिब्रिटीज आप देखिए जिन्होंने वोट डाला है अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल किया। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित गंजू जालौन से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कौशाम्बी से सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित गंजू का रुख करते हुए जालौन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन वोटर्स में उत्साह कम नहीं है, आपके पीछे पिंक बूथ भी मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हम कह सकते हैं, और इतनी भयंकर गर्मी में भी हम कह सकते हैं कि वोटर्स का ये उत्साह है कि लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन अभी दोपहर का वक्त है, क्या थोड़ा धीमा यहां पर लग रहा है मतदान इस वक्त? देखिए शीलम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त हम लोग एक स्कूल में, पब्लिक स्कूल में, ये तो पिंक बूथ है। पहली बात तो आप देख सकते हैं कि इसको पिंक मॉडल 2 अलग अलग सेक्शंस में बनाया गया है, इसको पूरा बंटिंग्स और बैलून सजाया गया, लेकिन जो सुबह 6 बजे से लाइन लगी थी वो 7 o'clock पे स्टार्ट होते होते 9:30 तक वाइंड अप हो गई। अब क्योंकि 45 degree टेम्परेचर है, पूरा तप रहा है, आसमान से आग बरस रही है, जमीन से गर्मी निकल रही है और उसके बीच भी वोटरों का कहीं से भी जोश कम होता नहीं दिख रहा है। दो दो तीन तीन चार चार करके आ रहे हैं। जिस सेंटर पर हम खड़े हैं यहाँ 2085 करीब वोटर है और इसमें अभी तक लगभग 1000 के आसपास वोट कास्ट कर चुके हैं। अब पिछले 2.5 घंटे की अगर बात की जाए या 2.25 घंटे से अभी लोगों का आना थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि देखिए गर्म हवा लपट चल रही है, एक बुंदेलखंड गर्मी के लिए माना जाता है, तप रही धरती, और ऐसे में लेकिन वोटरों का जोश कहीं से, इन वोटरों को न्यूज 18 अपनी तरफ सलाम करता है और बार बार एक चीज उनसे अपील करता है कि घर से निकलें, अपने घर से निकलें, ये आपका अधिकार है, अपने वोट को कास्ट करें, क्योंकि अभी तक यहां सिर्फ 39 point something था, लेकिन जो हमारे पास अभी इन सेंटर्स को लेकर आ रहा है कहीं 42 है, कहीं 44 है, अगर हम कोंच की बात करें तो 43.6 है, अगर हम बात करें माधवगढ़ की तो 44.7 है, हम बात करें कालपी की तो 43.8 है, हम बात करें जालौन की तो 40। देखिए एक एक करके देखिए वोटर्स कैसे आते चले जा रहे हैं, क्या महिला क्या पुरुष, इन इन लोगों के जज्बे को न्यूज 18 सलाम करता है कि अपने मतों का ये अधिकार
जानते हैं अपने मतों का कैसे प्रयोग करना चाहिए। धूप की भी चिंता नहीं की, लू चल रही है, हीट वेव्स कह रहे हैं जिसे कह रहे हैं, हीट वेव्स यहाँ चल रही है और देखा जा सकता है कि माथे का पसीना इस बात को बता रहा है और हवा जो चल रही है गर्म बता रहा है कि गर्मी कितनी इस वक्त जालौन में है, तप रहा है ये जालौन। लेकिन लोग वोट कास्ट करने आ रहे हैं और हम बार बार अपील कर रहे हैं कि कास्ट योर वोट, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव आयोग की बात करें या प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों के मन में इसके लिए प्रति अवेयरनेस हो, लोगों के जहन में आए कि वोट आपका लिए कितना कीमती है, क्योंकि जो वोट डालेगा वही तस्वीर भी दिखा रहे हैं। वाकई जो लू इस वक्त चल रही है वो परेशानी का सबब कहीं ना कहीं बढ़ रही है और यूपी के कई जिलों में ये अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि हीट वेव से बचे, अपना पानी अपना तमाम चीजें लेकर ही घरों से बाहर निकलिएगा। कौशाम्बी से सर्वेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है जो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं, और बड़ी खबर ये है कि महोबा में बूथ पर तैनात जवान बेहोश हो गया हीट वेव की वजह से। जैसा कि हम देखिए लगातार बता रहे हैं हम आपको कि हीट वेव से परेशान हो रहे हैं लोग, और इसी बीच एक जवान जिसे जिला अस्पताल पहुंचाना पड़ा, मणिपुर का रहने वाला जवान जो कि बेहोश हो गया, श्रीनगर के राजकीय इंटर कॉलेज बूथ का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए लगातार हीट वेव की वजह से लोगों को भी दिक्कत हो रही है। लेकिन इस बीच न्यूज 18 और हमारे सहयोगी भी जैसा कि कह रहे थे कि तमाम जो वोटर्स हैं उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं कि इतनी गर्मी में भी हीट वेव में भी वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। कौशाम्बी लिए चलते हैं, सर्वेश दुबे लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सर्वेश, क्या कौशाम्बी में भी इतनी ही ज्यादा गर्मी है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर अलर्ट भी जारी किया है, क्या यहाँ पर भी वोटर्स में दिख रहा है गर्मी का असर या फिर उत्साहित है काफी मतदाता? देखिए निश्चित तौर पर कौशाम्बी में भी गर्मी पड़ रही है, तापमान का पारा 44-45 डिग्री पहुंच गया है और दोपहर के वक्त आप देखिए ये पिंक बूथ है मंझनपुर मुख्यालय में, इस बूथ पर अब मतदाताओं की संख्या बिल्कुल कम हो गई है। सुबह लाइनें लगी थी, लोग लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए वोट देते देखे गए। लेकिन जिस तरह से आसमान से आग बरस रही है, लगातार हीट वेव्स आ रही है, तो लोगों का आना कम हुआ। ये माना जा रहा है कि शाम 4 बजने के बाद एक बार फिर से मतदाताओं की संख्या यहां पर बढ़ेगी। लेकिन कुछ मतदाता जरूर है कि जो इस गर्मी के बावजूद तपती गर्मी में भी निकले हैं, अपना वोट कास्ट किया है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भैया आपने वोट दे दिया, फिंगर दिखाइए, क्या नाम है आपका और इतनी गर्मी के बावजूद आप आए हैं? न्यूज 18 आपको सलाम करता है। मोहम्मद कलीम। अच्छा, किस मुद्दे पर वोट किया है और कितनी गर्मी के बावजूद आप निकले हैं, क्या करेंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे? सबको आके वोट डालें, बस यही अपील हमारी। क्या है? मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे सब कुछ सही है। मैम आपने भी वोट कर दिया है, फिंगर दिखाएं। क्या काफी गर्मी पड़ रही है इसके बावजूद आप निकली हैं, यहाँ पर वोट किया है, क्या मुद्दे हैं? लोकतंत्र के लिए आप आई हैं, ये एक अच्छी पहल है, कुछ बोलिए। नहीं बोलना चाहती हैं। आपने भी वोट कर दिया मैम, फिंगर दिखाइए, वोट कर दिया। गर्मी काफी है, कितनी परेशानी हो रही गर्मी से? गर्मी तो ही है इस टाइम, दिक्कत तो होती है, नकाब निकाल दिखा गए बाहर निकलो तो सबने वोट कर दिया है। लेकिन गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, सबसे बड़ी बात है कि इस समय एक बार मतदाताओं की संख्या कम हुई है, बूथों पर सन्नाटा पसरा है। माना जा रहा है कि 4 बजने के बाद जब थोड़ा सा धूप कम होगी, गर्मी की तपिश कम होगी, तो एक बार फिर से लोग निकलेंगे। शाम 6 बजे तक का निर्वाचन आयोग ने समय दिया है वोट कास्ट करने का। जो लोग भी मतदान केंद्रों में यानी बूथ तक पहुंच जाएंगे उनका वोट कास्ट कराया जाएगा, ये कहा गया है। तो माना जा रहा है कि एक बार फिर सब आएंगे पहुंचेंगे। न्यूज 18 भी लगातार मतदाताओं से यही अपील कर रहा है कि लोकतंत्र में उन्हें मताधिकार का जो अधिकार मिला है उसका प्रयोग करें, अपने लिए एक अच्छी सरकार चुने। जब आप अच्छी सरकार चुनते हैं, अपने लिए मतदान करते हैं, तभी आपको राइट है कि आप ये कहें कि सरकार अच्छा काम कर रही है या खराब कर रही है। आप शिकायत करने के भागीदार बनते हैं, ये आप कर सकते हैं। तो न्यूज 18 भी आपसे बार बार अपील कर रहा है कि आप निकलें और अपना वोट जरूर कास्ट करें। जी बिल्कुल, तो न्यूज 18 भी लगातार आपसे यही अपील कर रहा है कि अपने घरों से बाहर निकलिए, अपना वोट कास्ट कीजिए। अच्छा अमित, जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे कि एक जवान बेहोश भी हो गया गर्मी की वजह से और बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को भी जाहिर तौर पर आ रही होगी, लेकिन क्योंकि आप बता रहे हैं कि मतदाता काफी उत्साहित भी है और मतदाता पहुंच भी रहे हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज को ये कितना प्रभावित कर पाते हैं? जैसे कि मतदाता नहीं पहुंच पाते गर्मी की वजह से कई बार, तो क्या उससे भी वोटिंग परसेंटेज प्रभावित होता है अमित?
देखिए शीनम जी, वोटिंग प्रभावित गर्मी से होती है नहीं होती है, हीट वेव्स कितनी है नहीं है, इन सब के बीच ये देखिए दो वोटर्स इन्होंने अपना पूरा ढका, ये गमछा लगाए हैं पूरा, और हमने क्योंकि रिक्वेस्ट की हटाएं, गर्मी कितनी पड़ रही पहले, वोट डाला, सियाही दिखा दीजिए बहन जी, आप भी डाले डालेंगे, और बाकी लोग आए कि नहीं आपके साथ के? आएंगे, सब आएंगे, गर्मी की वजह से नहीं आ रहे, ठंडक में आएंगे थोड़ी देर, ठंडक में। देखिए शीनम जी, ये सीधा प्रमाण है कि थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम आके वोट डालेंगे, वोट के प्रति लोग अपने अवेयर हैं। और जया प्लीज, आप समझ सकते हैं क्योंकि देखिए जिस तरह मेरे सहयोगी भी सर्वेश बता रहे थे 45, अभी हम लोग भी खुद देख रहे थे कि 45 डिग्री टेम्परेचर है, ऐसे में स्टाफ को देखिए कैसे जो लोग ये इलेक्शंस को कंडक्ट कराते हैं, टीम कंडक्ट कराती है, कैसे ये लोग यहां बैठे हैं पूरी धूप में। और अगर अंदर रूम की बात की जाए तो अभी सिर्फ 4 से 5 लोग हैं, और दो दो तीन तीन चार चार करते पिछले आधे घंटे के अंदर 22 से 24 लोग आ चुके हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि लगभग इस सेंटर पर 50% के आसपास वोट कास्ट हो चुका है, सुबह मैक्सिमम था, ऐसा जो लोगों का यहां कहना है कि पूर्व में भी ये सेंटर बना था, 2019 में जब ये सेंटर बना था तो इस सेंटर पर जो मैक्सिमम पोलिंग गई थी वो 50% गई थी। अगर अभी की बात की जाए तो 50, आपने वोट कास्ट कर दिया, आइए इधर आइए प्लीज, चाहिए इधर आइए। देखिए शीनम, ये भी देखिए जागरूक वोटरों के लिए हम न्यूज 18 बार बार इनको सलाम कर रहा है, इनको धन्यवाद दे रहा है। आपने वोट डाला? डाल दिया। गर्मी है बहुत कि नहीं? हाँ, गर्मी पड़ रही है। आप अकेले आए कि घर के साथ आए? मैम आप भी आइए उधर, मिसेज हैं साथ में, मिसेज तो है, मैं जान रहा हूँ आप ही की मिसेज है, आइए इधर आइए प्लीज। वोट डाला आपने? अरे खुश है कि नहीं? खुश है। अच्छा क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के, क्या क्या है गर्मी के अलावा? गर्मी ना बताना, गर्मी तो मुद्दा नहीं है, और कौन मुद्दा नहीं है आप बताएं, जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है। देखिए शीनम, इतनी गर्मी में लोग निकल के आए हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ ने कहा हमारी मिसेज हैं और इसीलिए इनको साथ लेके आए, और घर जाके बाकी लोगों को भी बुलाएंगे ताकि ये वोट कास्ट करें, क्योंकि वोट हमारा अधिकार है, ये बात हर व्यक्ति जान रहा है। कुछ लोग जान के अनजान बनते हैं, उनके लिए न्यूज 18 फिर अपील कर रहा है कि आपके पास अभी बहुत समय है, घर से निकलें, वोट कास्ट करें। देखिए एक मोहतरमा यहां से आई, इतना गर्मी है उसके बाद भी ये वोट कास्ट करने के, मैंने जैसे आपको पहले बताया 2, 1, 2, 3 ऐसे करते चले आ रहे, क्योंकि यहां आसपास के ग्रामीण अंचलों के लोग भी हैं, कुछ अलग अलग कॉलोनीज के, जैसा जिसको समय मिल रहा है वैसे में। आप देखिए जिस धूप पे इस हम खड़े हैं कि एक मिनट की धूप इस पर बर्दाश्त नहीं हो सकती है, इतना इस हीट वेव चल रहा है, और ऐसे में ये वोटर जो आ रहे हैं, इसे नेटवर्क 18 न्यूज 18 के जो करोड़ दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे हम बार बार अपील करेंगे, निकलें अपना वोट कास्ट करें। आपको तस्वीर अगर बदलनी है, अगर आपको सोच बदलनी है, या आपको आलोचना भी करनी है, तो उसके लिए भी आपको वोट कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके मन मुताबिक सांसद, आपके मन मुताबिक सरकार तभी बन सकती है जब आप वोट कास्ट करें, ना कि टीवी के सामने बैठ के। आज छुट्टी में कुछ लोग चिप्स खा रहे हैं, कुछ कुरकुरे खा रहे हैं, कुछ फैमिली में एसी ऑन करके बैठे हैं, नहीं निकल रहे हैं और गॉसिप्स कर रहे हैं, उनके लिए बार बार हम अपील करते हैं कि कास्ट योर वोट। जी शीनम, बिल्कुल हम भी यही अपील करते हैं, न्यूज 18 भी अपने खड़े रहकर, बहुत गर्मी लग रही थी लेकिन वो 10-15-20 मिनट की गर्मी और ये सब तकलीफें बर्दाश्त कीजिए और वोट कीजिए, और कृपा करके वोट के दिन आप छुट्टी पे मत चले जाइए, वोट करिए, क्योंकि ये आपका बर्थ राइट है। वोट करना, एक सरकार बनाना, डेमोक्रेटिक कंट्री में है आप, तो उस वोट को आप एक्सरसाइज करिए। 2024 का जो चुनाव पार्श्वभूमि है, आप चूंकि रामायण से जुड़ी है, राम मंदिर भी बन गया, तो आप कैसा देखती है लोगों में, क्या एक माहौल? मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी हमारे जो प्रिय प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा ये जो दो टर्म्स आए हैं वो सिर्फ एक ट्रेलर रहा है, और वो आगे जाके जो विकास रहेगा वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के लिए इस्टेब्लिश्ड होगा, और मुझे बहुत विश्वास है उनकी बातों पर, क्योंकि जो करते हैं वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हर जगह पे जहां जहां उन्होंने कहा है कि ये होगा, उन्होंने किया है, चाहे वो रोड्स हो, ब्रिजेस हो, ट्रेन्स हो, राम मंदिर हो। तो अगर आप विकास चाहते हैं अपने, अगर आप विकास चाहते हैं तो वोट जरूर करें, हर कोई यही आज संदेश दे रहा है, अपने अपने क्षेत्र में जाकर मतदान जरूर कीजिएगा। अमित गंजू हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। सर्वेश दुबे आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दिखाने के लिए, और लगातार न्यूज 18 पर महा कवरेज जारी रहेगी, हर तस्वीर आपको मतदान से जुड़ी दिखा रहे हैं लगातार। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है।